हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात, जो कि मॉनसून की बारिश से हिमाचल पर हाहाकार वहां मचा हुआ है। गनीमत रही कि इंसानी जिंदगी का नुकसान अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हजारों करोड़ की संपत्ति तबाह हो गई है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रताल झील का हवाई निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चंद्रताल में थोड़ी चुनौती है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। हमने दो मंत्री चंद्रताल के लिए भेजे हैं, जिससे पहले मुख्यमंत्री ने कुल्लू पहुंचकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियां निकाली गई हैं, और साथ ही अभी भी वहां तकरीबन 7000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। कसौल से भी हमने काफी लोगों को इवैक्यूएट यानी कि रेस्क्यू किया है। देख रहा था, और अभी तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है, और तकरीबन 7000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था, और कसौल वाले एरिए से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है, और जो तीर्थन वाला एरिया उसको भी हम वहां से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब की ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी रात मेहनत की है। बाहर से हम एक्स्ट्रा स्टाफ एक्स्ट्रा लेबर ला रहे हैं, बिजली के MD यहाँ बैठे हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पानी के लिए बुलाया है, PWD मिनिस्टर्स को भी हमने सब जगह बोला है, सुंदर ठाकुर जी अपने इस कुल्लू मनाली और हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी सब स्थिति पर जायजा रखे हुए हैं। खुशी इस बात की कि हम 50% पर्यटकों को निकालने में सफल रहे हैं, और शाम 8 बजे तक हम 80% पर्यटकों को निकालने में सफल होंगे। और बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, सड़क के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत समय लगेगा। बहुत नुकसान हुआ है, 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है, और ये तो कम अनुमान है, लेकिन आगे बढ़ सकता है। 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, हिमाचल प्रदेश का बहुत मेजर नुकसान हुआ है, और लिप सिंपैथी से नहीं बनेगा कि सब कहें कि हम हिमाचल के साथ हैं, हम हिमाचल के साथ हैं, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप साथ हैं तो उसको अपने एक्शन में ट्रांसलेट करें। हमें मालूम है कि बड़े से बड़े नेता ने भी इस त्रासदी के समय में बात की है या बयान दिया है कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए, लेकिन हिमाचल की मदद रियल सेंस में तो तब होगी अगर उसकी कोई आर्थिक मदद की जाए, उसको कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए, या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता, या वन टाइम रिलीफ कोई ऐलान होता। तो हम चाहते हैं कि केंद्र को मदद करनी चाहिए। वी आर लिविंग इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय ढांचे में हम रहते हैं, केंद्र और राज्यों का एक रिश्ता है, और राज्य जब संकट में हो तो केंद्र को मदद करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो पहले ही 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है, और उसकी दिक्कतें हैं, तो केंद्र पे निर्भरता है।